मीम फाई का लिस्टिंग एंड एयरड्रॉप 24 दिसंबर को होने वाला है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्या ये सही है, सही में हमें दिसंबर में एयरड्रॉप मिलेगा मीम फाई का, एंड मीम फाई का जो एयरड्रॉप है किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मीम फाई का आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ बाकी के जो एयरड्रॉप्स के डिटेल्स है, अपडेट्स है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन सभी का मैं डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप में से सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड उसके बेसिस पे आप अच्छा खासा एयरड्रॉप कर पाओ। बट सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लो, एक्टिव रहो, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं, आपको इधर देखने को मिलता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आकर के पिंड मैसेज को देखना मत भूलना, क्योंकि जितने भी फ्री के एयरड्रॉप्स हैं सभी के सभी आपको मिलेंगे, जो कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट्स होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 40+ एयरड्रॉप्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एज वेल एज आप लोग जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाते हैं जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहोगे एंड नए नए एयरड्रॉप्स भी आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मीम फाई का ही बात करते हैं। मीम फाई का जो लिस्टिंग डेट है ये बेसिकली मीम फाई टोकन के बारे में नहीं है, इनका जो पार्टनरशिप हुआ है कॉस्मो बियर के साथ, इनका जो TGE है और लिस्टिंग है बेसिकली 24 दिसंबर को होगा। सो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे DM में पूछा है, तो मैं सोचा चलो वीडियो में आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग परेशान थे, क्योंकि हम में से सभी लोग अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीम फाई से अच्छा खासा कर रहे हैं। ओके, हमारा एक्सपेक्टेशन अच्छा खासा है मीम फाई से, तो दिसंबर में अगर ये लोग एयरड्रॉप करता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका जो एयरड्रॉप है आपको या तो इस मंथ देखने को मिलेगा या फिर नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है मीम फाई से रिलेटेड। बेसिकली ये जो मीम फाई का डिटेल्स है कॉस्मो के रिगार्डिंग है, इनका जो पार्टनरशिप हुआ है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम डायरेक्ट टेलीग्राम पे, और आपको मैं सबसे पहले मीम फाई के अंदर लेके जाता हूँ। इनका न्यू अपडेट्स भी आए हैं जो कि ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता रखा है एंड आप लोग भी देख ही लिए होंगे। सो इनका जो एयरड्रॉप है इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक आपको देखने को मिल जाएगा, एंड बड़ा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, मैंने इनके बारे में डिटेल्स में बता रखा है तो और ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। बाकी इनका जो आया है बेसिकली स्पिन करने का, अब यहाँ पे आपको स्पिन मिला होगा, अब ये रैंडमली हर किसी को अलग अलग मिला होगा, जैसे कि मुझे इतना मिला है तो आपको कुछ और मिला होगा, और रेफरल वालों को थोड़ा ज़्यादा मिला है। ओके, जो भी रेफरल है उनको ज़्यादा मिला होगा, ठीक है। तो अब आप स्पिन करते हो तो आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे एड हो जाएगा, और कॉइन्स के बेस्ड अपन आपको एयरड्रॉप मिलेगा, इतना तो क्लियर है। और साथ ही साथ इनका जो लेवल है ये भी मैटर करेगा, जैसे कि पिक्सल वर्स वालों ने लेवल के बेस्ड अपन एयरड्रॉप दिया, बट मीम फाई का ऐसा नहीं होगा, ये लोग लेवल को भी कंसिडर करेंगे और ये जो ओवरऑल बैलेंस है इसको भी कंसिडर करेंगे, एंड साथ ही साथ इनका जो यहाँ पे अर्न वाला सेक्शन है, इधर आप कितने टास्क को अभी तक कंप्लीट किया है ये भी आपका कैलकुलेट होगा एयरड्रॉप के लिए, यानी लेवल, टोटल बैलेंस एंड आपका जो ओवरऑल यहाँ पे अर्न है, यानी अर्न वाले में आपने जितना टास्क किया है, और रिफर वगैरह भी मे बी काउंट हो, इतना मुझे आइडिया नहीं है, और बाकी आपका जो ये सारा अपग्रेड्स है ये भी आई थिंक काउंट होगा। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग सारा का सारा कंसीडर करके ही एयरड्रॉप कर सकता है, क्योंकि सिर्फ अगर बैलेंस के बेस्ड अपन करें तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा बैलेंस है, तो मे बी कैसे कैलकुलेट करेगा उन्हीं को पता होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारा चीज़ मैटर करेगा। आई होप कि आपने वैलेट जो है क्रिएट कर रखा है, आपको जो भी एयरड्रॉप मिलेगा इधर मिलेगा, और आप इधर से कहीं पर भी जो है बेसिकली सेंड कर सकते हो, यानी विड्रॉल कर सकते हो, जो कि डिटेल्स मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा जब इनका लिस्टिंग वगैरह होंगे और एयरड्रॉप वगैरह मिलेंगे। अब मैं आपको हैमस्टर का दिखाता हूँ। हैमस्टर का अचीवमेंट आ चुका है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इनका ओवरऑल जो सिस्टम है वो मैटर करेगा, जैसे कि आपका ओवरऑल जो माइंड में आपने टास्क वगैरह किए हैं, यानी ये जो कार्ड वगैरह अपग्रेड किया है, ओके, और आपका जो अर्न वाले सेक्शन में ये सारा है, ये सारा कैलकुलेट हुआ है एज अ अचीवमेंट, और उसके बेस्ड अपन एयरड्रॉप मिलेगा। तो आप सिंपल से अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर आप अपना अचीवमेंट देख सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कार्ड, ये वाला, इस तरीके से आपका जितना यहाँ पे अचीवमेंट्स होंगे उस बेसिस पे जो एलोकेशन है आपका कंसीडर किया जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, यानी अभी भी आप यहाँ पे जो है ये सारा टास्क को कंप्लीट करके जो अचीवमेंट है वो ले सकते हो, यानी बैजेस आप कलेक्ट कर सकते हो, स्टिल टाइम है, जो भी बैज आपने कलेक्ट नहीं किया है कर सकते हो। आई डोंट नो इनका स्नैपशॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर स्नैपशॉट हुआ है देन आप कलेक्ट करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट हमें अभी तक पता नहीं है स्नैपशॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बैच जो है एक्स्ट्रा एड हो रहा है अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो तो। जैसे कि ये वाला बैच में आपको 15 लेवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप जितने भी कार्ड्स हैं 15 लेवल कर देना, उसके बेस्ड अपन आपको मिल जाएगा। ओके, मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोज़ देख रहे होंगे हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा, बट मैंने हैमस्टर कॉम्बैट का बताया है अर्ली में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको डिटेल्स बता दूँ।
तो यही है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारा अचीवमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप बता सकते हो, बाकी मेरा कोई इरादा नहीं है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है नोट कॉइन। नोट कॉइन का अभी सीज़न 2 चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट था भाई यहाँ पे अर्न कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, आपको सबसे पहले अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे मैंने गोल्ड में कर रखा है, तो अपग्रेड कैसे किया जाता है वो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है आपको। सिंपल सा स्टार्स बाई करके फिर उसके थ्रू आपको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ता है। आपको $20 लगेगा ये वाला, और इस वाले में आपको $100 लगेंगे। अब जो आप लेवल अप करोगे यहाँ पे डेली का कुछ ना कुछ टास्क आता है, डेली या फिर वीकली या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ पे रेंडमली आते हैं, तो आप इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको बेसिकली नोट कॉइन मिलते हैं, जैसे कि तो रिफरल वाला हो गया। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो देखो मैंने अब तक ये सारा टास्क फिनिश किया जिसमें मुझे कुछ इतना टोकन्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टास्क होगा, आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रीमियम लिए हो या फिर आपके पास गोल्ड है तो आप यहाँ पे इनके जो अदर करिकुलम है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोट कॉइन का गेम आया है लॉस्ट डॉग्स करके, उसके बाद बाकी के यहाँ पे जो टास्क है वो आप कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो ये था आपके आपका नोट कॉइन के बारे में। अब टाइम फार्म का बात करते हैं। टाइम फार्म का जो बैकर्स है अच्छा है और प्रोजेक्ट भी अच्छा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ये भी मैंने डे 1 में ही बताया था जैसे इनका आया था, ओके। तो यहाँ पे इनका वैलेट वगैरह कनेक्ट करना है जो कि आपने कर ही दिया होगा, अपडेट दिया था मैंने, नहीं किया है तो आप कर देना। वैलेट टोन वैलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे ना अर्न वाले सेक्शन पे आओगे तो स्टेकिंग का इनका ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी स्टेक कर रखा है तो आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, जैसे 45 डेज़ का, 15 डेज़ का, 3 डेज़ का आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास जितना बैलेंस है मैं सारा यहाँ पे कर देता हूँ, तो उसके बेस्ड अपन आपको APR मिलता है, तो आप कर सकते हो इसको भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एयरड्रॉप के लिए। बाकी यहाँ पे आप अपना कार्ड को अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने देखो सारा कार्ड अपग्रेड कर लिया है, तो आप भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो और यहाँ पे डेली आप क्लेम कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा कार्ड को अपग्रेड करोगे उस बेस पे आपको यहाँ पे बेसिकली डेली का कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे टास्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, ओके। और एक्टिविटीज़ पे आप यहाँ पे इनका लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉलर भी अर्न कर सकते हो, ओके। तो ये आपका हो गया टाइम फार्म के बारे में, अगर नहीं किया है तो कर लेना। कैटीजन का मैंने प्रीवियसली वीडियो ही बना दिया है, प्रीवियस वीडियो में, तो इधर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस मैंने मल्टीपल टाइम बता रखा है। तो आप कैटीजन का वीडियो देख लेना, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप यूट्यूब पे आओगे तो ये वाला वीडियो में ही मैंने कैटीजन का डिटेल्स बताया कि क्या क्या क्राइटेरिया मैटर करेगा, और मैंने रीडिफाइन करके आपको बताया है। बाकी यार ये जो एक्स ड्रॉप करके है ये बैक्ड बाई आपका बाइनांस है, ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना, ठीक है। एक्स ड्रॉप करके यहाँ पे आपको बेसिकली अंडे वगैरह मिलते हैं जिसको फोड़ना होता है, एंड बहुत सारे यहाँ पे टास्क वगैरह होते हैं जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एक्स ड्रॉप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, गोम्बल वालों का ही गेम है और गोम्बल वाले को जो है बाइनांस ने ऑलरेडी फंड कर रखा है, तो एयरड्रॉप यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे लोडिंग में टाइम लेता है तो उसको अच्छा हो गया लोडिंग। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कूपन वगैरह एंड बाकी के आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि इस तरीके से डेली क्लेम आता है, आप यहाँ पे ये सारा चीज़ गेट कर सकते हो जो बेसिक टास्क यहाँ पे है, ओके। तो बिंगो यहाँ पे बिंगो करके आएगा, जहाँ पे देखो इस तरीके से आपको एक को फोड़ना होता है नेक्स्ट टाइम अच्छा रिकवर करके, ओके। मैंने अंडे को रिकवर कर दिया और इस तरीके से आप यहाँ पे अंडा बैठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टास्क होता है, ओके। यहाँ पे बेसिकली फार्मिंग करना पड़ता है आपको इस तरीके से। तो अभी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बिंगो पास करके आपको मिलेगा, मेरा तो अभी लेवल 1 है पास में, ओके। तो ये भी आप ज्वाइन कर लेना, गोम्बल वालों का ही बेसिकली ये वाला एयरड्रॉप है। बलम में ज़्यादा कोई खास अपडेट नहीं है, ओके। तो बलम का जो बेसिक टास्क है कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे वैलेट कनेक्ट करना, और आप लोग हमारे वेट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये सारा तो क्लेम हम कर ही रहे, ओके। और गेम खेलने मतलब यहाँ पर टिकट वगैरह आप जो मिलता है उसको गेम प्ले करना, और बाकी ये जो आपका बेसिकली ट्राइब है ये आप ज्वाइन कर लेना, हमारा ट्राइब, ओके। अभी तक 322 लोगों ने ज्वाइन किया है, ओके। तो ये ज्वाइन कर लेना और वैलेट कनेक्ट कर देना, और बाकी जो टास्क वगैरह होते हैं करते रहना क्योंकि बलम के पीछे अच्छा टीम है। बाकी वेव वैलेट का बात करते हैं, तो वेव वैलेट में स्टेकिंग वगैरह का फीचर आ चुका है और यहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टीपल फीचर आ चुके हैं, तो इसको भी करना क्योंकि सुई ने इसको बैक किया है, सुई जो कि Layer 1 ब्लॉकचेन है, ओके। तो इसको भी आप करना, यहाँ पे बेसिक है, आप यहाँ पे डेली का यहाँ पे आपको क्लेम करने का मिलेगा, और यहाँ पे आप इसको क्लेम करोगे तो ये आप अर्न करोगे इनका खुद का जो टोकन है, जो कि बाद में मे बी लिस्ट वगैरह होगा, और बाकी यहाँ पे आप टास्क वगैरह ये सारा कंप्लीट कर सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखा है। और यहाँ पे आप ना फ्री में सुई भी अर्न कर सकते हो, जो कि
आप यहाँ पे मर्ज करके एक आएगा, अगर रेड आता है तो यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो और आपको उसके बदले में सुई मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं ये जो जितना भी सुई आपको दिख रहा है ये सारा फ्री का सुई मुझे मिला है, ओके। और यहाँ पे बाकी जो स्टेकिंग का ऑप्शन है जहाँ पे कि आप स्टेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे वेव पॉइंट्स को आप स्टेक कर सकते हो, जैसे कि जितना भी आपके पास वेव पॉइंट्स है, तो स्टेक करने के लिए आपको सबसे पहले वेव्स पॉइंट को मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओसियन है मेरे पास, तो ओसियन को लाइक इस तरीके से मैं मान लो 100 ओसियन यहाँ पे ऐसे करके स्टेक कर देता हूँ, जिसमें कि मुझे 15% APY मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो मैंने स्टेकिंग कर दिया। तो वेब वैलेट अगर आप कर रहे हो तो स्टेकिंग करना मत भूलना। अब बात करते हैं सीड का। सीड मुझे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट लगता है, क्योंकि इनका NFT है, ओवरऑल गेम है, जिसके बेस्ड अपन आप एक अच्छा खासा लाइक अभी तो फिलहाल इसका कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, बट हाँ यहाँ पे NFT का वैल्यू होगा, ठीक है। अभी देखो ये लाइक मॉनेटरी वैल्यू इनका नहीं है, मतलब अभी बेसिक सा इनका आप सीड अर्न करोगे, उसके बाद NFTs अर्न करोगे, NFT के थ्रू फिर से सीड अर्न करोगे, मे बी सीड बाद में जाके लिस्टिंग हो, या फिर सीड से हमें सीड टोकन मिले, ओके। यानी ये पॉइंट्स हो सकता है जो टोकन में कन्वर्ट होगा। बाकी इनका ज़्यादा मैंने डिटेल्स वगैरह नहीं देखा है, मैं इनका डिटेल्स वगैरह देखूंगा तो फर्दर मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सॉलिड है मेरे पास। इनका गोल्डन बर्ड्स भी है, ठीक है, जो गोल्डन बर्ड्स होता है, और बाकी इनका मार्केट प्लेस वगैरह सारा आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो, आप लाइक बर्ड्स लाइक आपके पास अगर एक है तो उसको हैच कर सकते हो, हैच करके उसको बर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड बर्ड को आप फीड वगैरह कर सकते हो डेली, यहाँ पे क्लेम होता है। जैसे मेरे पास अभी गोल्डन लाइक लीजेंडरी बर्ड है, तो लीजेंडरी बर्ड का मुझे यहाँ पे 200 से 300 सीड मिलता है डेली के, ओके। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, इस बेसिस पे यहाँ पे मुझे मिल जाता है। और बर्ड को लाइक उसको डिनर भी देना होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो आपके पास अगर बर्ड्स नहीं है तो आप मार्केट में आकर के बर्ड्स लाइक परचेज भी कर सकते हो सीड के थ्रू, आप जितने सीड्स अर्न किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वॉर्म्स आप अर्न कर सकते हो, मतलब बेसिकली बाई कर सकते हो, और वॉर्म्स को बेसिकली आप बर्ड्स को लाइक डिनर में दे सकते हो, एंड उससे आपको लाइक सीड टोकन अर्न होता है। फिर सीड टोकन जितना आपके पास होगा, फिर आप एग्स बाई कर सकते हो, फिर एग्स को आप हैच कर सकते हो, या फिर एग्स को डायरेक्ट मार्केट प्लेस में अब सेल में भी लगा सकते हो। अभी देखो ज़्यादा अच्छे से इनका प्लेटफॉर्म वर्क नहीं कर रहा है, ओके, फिलहाल। तो ये इनका इंटरफेस है, इंटरफेस भी कूल है, और यहाँ पे आपका वॉर्म्स पेयर में उगता है, जिसमें देखो कॉमन एग मिला आपको, लेजेंडरी में मिल सकते हैं। और ये फर्दर जो डिटेल्स है बाद में मैं बताऊँगा अगर आप लोगों को मैं जितने भी टेलीग्राम के बोट एयरड्रॉप्स है उनका लिंक दे दूँगा जो टॉप के हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अभी बोट आ चुके हैं, बट मैंने टॉप जो अंडररेटेड टेलीग्राम बोट्स है उनका लिंक्स दे रखा है, और मैंने डेडिकेटेड वीडियोस भी बना रखे हैं, इनमें देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको पर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हो जाएगा। आई नो कि भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, कुछ भी नहीं मिला होगा, बट मिलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, ओके। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी आपको अच्छा होगा। तो ये था आपका ओवरऑल वीडियो, मूवमेंट का वीडियो आने वाला है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, मूवमेंट टेस्टनेट का वीडियो आपको मिल जाएगा वेरी सून, ओके। तो ये था ओवरऑल।